प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने घरफोड़ी के आरोपी मोइनुल इस्लाम को आसाम से गिरफ्तार किया है। इसके पास से बड़ी संख्या में सोने के जेवर पुलिस ने बरामद किया है। भिवंडी के नारपोली हद में घरफोड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच को मोइनुल की तलाश थी और क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि मोइनुल अपने गांव आसाम चला गया है, जिसके बाद थाने क्राइम ब्रांच आसाम से घरफोड़ी के मामले में मोइनुल को पकड़ा। हालांकि वहां भी पुलिस से हाथ छुड़ाकर मोइनुल भागने की कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार गिरफ्तार करके मोइनुल को महाराष्ट्र लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मोइनुल के पास से 62 लाख रुपए से भी ज़्यादा कीमत के सोने के गहने बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने और भी गुनाह कबूल किया है। मोइनुल पर ठाणे इलाके में 19, नवी मुंबई में 2 और मुंबई में 1, यानी कि मोइनुल पर कुल 22 गुनाह दाखिल हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया है, कितने तोला जो है सोना रिकवर किया गया और क्या कुछ इसका बैकग्राउंड है अब तक? ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अधीन में जो कोई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके तहत माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर ने आदेशित किया है। उसके हिसाब से क्राइम ब्रांच भी उसके ऊपर काम कर रही थी। उसके दौरान जो भिवंडी क्राइम यूनिट है, यूनिट 2, उसके सीनियर पेयर सचिन गायकवाड़, ए पे केदार और उनकी पूरी टीम और एसीपी नीलेश सोनों ने इनको एक इन्फॉर्मेशन दी कि नारपोली के अड्डे में जो एक एचबीटी हुई है उसका आरोपी है, वो यहाँ पे बहुत सारी जो एचबीटी यहाँ पे की है, तो उसके हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन दी कि आसाम का रहने वाला ये जो आरोपी मोइनुल अब्दुल मलिक इस्लाम, ये रहने वाला होजाई डिस्ट्रिक्ट आसाम का रहने वाला है। वहाँ से यहाँ पर आता है, यहाँ पे चोरी करके घरपोड़ी करके वापस वहाँ पे जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जब गांव में गया था उसकी इन्फॉर्मेशन यूनिट 2 के सीनियर पीआई सचिन गायकवाड़ और उनकी टीम को मिली, तो उन्होंने वहाँ पे जाके वहाँ से अरेस्ट किया। वहाँ पे अरेस्ट करते वक्त भी उसने छलांग मारी और भागने की कोशिश की, तब उसको अरेस्ट करके प्रॉपर कोर्ट में प्रोड्यूस करके वहाँ से ट्रांसफर वारंट लेके अभी अरेस्ट किया है। तो इसका मॉडल्स ऐसा था कि वो वहाँ से बाय एयर ट्रैवल करता था, बाय प्लेन ट्रैवल करता था, यहाँ पे आके चोरी करता था और वापस फिर वहाँ पे जाता था, तो पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश इसमें थी। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया है। ये जो अरेस्ट किया उसके इंट्रोगेशन में लगभग 22 गुने इसमें ओपन हुए हैं, जिसमें से 19 गुने थाने पुलिस आयुक्तालय के है और 2 गुने नई मुंबई पुलिस आयुक्तालय के और 1 गुना मुंबई पुलिस आयुक्तालय का है। उसमें लगभग 889 ग्राम का सोना बरामद हुआ है, उसकी लगभग कीमत 62,24,000 है। बहुत ही अच्छी कामगिरी यहाँ पे यूनिट 2 के सीनियर पे सचिन गायकवाड़ और उसकी टीम ने की है। और भी पहले ये जो आरोपी था 2022 में नवी मुंबई में अरेस्ट था, कोपरखैरनी और वासी पुलिस स्टेशन के लगभग 7 गुने उसके ऊपर थे और उसमें वो अरेस्ट था। तो इसका मॉडल यही है कि वहाँ से वो प्लेन से आता है, यहाँ पे चोरी घरपोड़ी करके वापस वहाँ पे जाता है, कुछ दिन वहाँ पर हॉल्ट करता है, फिर वापस यहाँ पे आता है। तो ऐसी मॉडल्स उसकी थी और इसमें बहुत ही अच्छी सक्सेस यहाँ पे सीनियर पीआई यूनिट 2 के सचिन गायकवाड़ और उनकी टीम को मिली है। आगे भी तपास जारी है, यहाँ पे और कोई लोग इन्वॉल्व है इसमें, इसके साथ काम करने वाले, इसका भी तपास आगे जारी है। सर, जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ इसके हैबिचुअल लगने की आशंका दर्ज है, क्योंकि 22 मामला जो है इसके ऊपर दर्ज है, तो क्या इसके बैंक खाते की भी जांच आप करेंगे? निश्चित रूप से ये जो मनी ट्रेल उसका क्या है, इसकी मॉडल जो है, सोना बेच के उसका पैसा वो कहाँ पे
ये करता है, डम करता है या किसके खाते में जमा करता है, उसका भी तपास आगे जाके हम करने मतलब अभी भी कर रहे हैं, तो वो भी ट्रेल हम उसका ले रहे हैं। लेकिन इसका मोडस टिपिकली जो है, जिसमें सोने के जो दर अभी जो बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से सोना चोरी करना और उसको बेच के उसका पैसा लूटना, ऐसी उसकी मोडस थी।